पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकारें जो हैं वो बड़े बड़े फैसले ले रही हैं, वो फैसले जनता के हक में हैं। और एक बहुत ही बड़ा फैसला योगी सरकार भी लेने वाली है और उसका ऐलान वो कर चुकी है। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, ये फैसला इंसानों के लिए नहीं, ये फैसला जो है वो आवारा पशुओं के लिए है, ये फैसला जो है वो आवारा सांडों के लिए है। आप देख रहे हैं इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि आवारा जो पशुओं की संख्या जो है वो बढ़ गई है, आवारा सांडों की संख्या बढ़ गई है, रोडों पे जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो बढ़ गए हैं, रोडों पे हादसे जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। एक वक्त आपने देखा होगा ड्राइविंग में ऐसा भी आता है जहाँ आपको बड़े बड़े नेशनल हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे सिर्फ और सिर्फ सांड, आवारा पशु ही देखने को मिलते हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि इनकी तादाद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये सरदर्द जो है ये आपके लिए नहीं है, बल्कि ये सरदर्द जो है अब सरकार के लिए भी बन गया है और योगी सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया है जो कि जनता के हक में होगा। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने अब सड़क पर बेसहारा घूमने वाले सांडों की नसबंदी का अभियान चलाया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, योगी सरकार ने अब सड़क पर बेसहारा घूमने वाले सांडों की नसबंदी का अभियान शुरू किया है। यह अभियान चलाने की योजना तैयार हो चुकी है। इस संबंध में बड़े स्तर पर जो है अभियान चलाने की तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक डेटा लिया जाएगा, सूची बनाई जाएगी, इनकी गिनती करी जाएगी और उसके बाद जो है ये पूरी जानकारी जो है वो प्रमुख सचिव जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएंगे। दरअसल गौवंश की संख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कि आम इंसान परेशान है उससे ज़्यादा जो है किसान भी परेशान है। किसी भी खेत में घुसकर जो है वो पूरा खेत का खेत चौपट कर जाते हैं और भारी नुकसान कर जाते हैं गरीब किसान के लिए। तो एक अच्छी खबर है ये यूपी वासियों के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा यूपी की जनता को। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। अगर आप ये न्यूज़ ये YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अगर Twitter और Instagram पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें।